नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KSSCI नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जो 2024 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट में, उस वैकेंसी का रिजल्ट कब जारी होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, कट ऑफ भी हम देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपको पता है इस वैकेंसी में टोटल 264 पद थे। कितने पद थे? 264 पद थे। इसमें OBC, UR, EWS, SC, ST सबके अलग अलग पद थे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं साथ का साथ बताता आपको चलूँगा। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो 3 जून यानी कि कल की डेट को जारी हुआ था, किसकी तरफ से? कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी करा गया था। लगभग 1 बजे के आसपास ये आ चुका था और मैं टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर कर चुका था। यहाँ पर देखो, द रिजल्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखे हैं। अंडर प्रोसेस द टेंटेटिव डेट ऑफ द रिजल्ट इज शेड्यूल एंड सेकेंड वीक ऑफ जून यानी कि लगभग 10 जून के आसपास, 10 से 15 जून तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सेकेंड वीक जून का रहेगा उसमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 10 के आसपास आपको ये रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट कीप चेकिंग द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। आगे की इन्फॉर्मेशन या जानकारी के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो वेबसाइट को विजिट करते रहे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो जारी हुआ था। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार के साइन है। और ये कब जारी हुआ था? कल के यानी कि 3 जून को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट ने। अगर यहाँ पर हम बात करें कैटेगरी, टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 264 यहाँ पर वैकेंसी थी। इसमें अगर बात करूँ मैं यूआर की, तो यूआर की जो वैकेंसी थी वो 106 थी। ओबीसी की टोटल वैकेंसी यहाँ पर 71 हैं। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 26 है। और एससी की मैं बात करूँ तो एससी की यहाँ पर 56 वैकेंसी है। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 5 वैकेंसी यहां पर रखी गई है। तो ये वैकेंसीज़ का सिनेरियो मैं यहां पर बता चुका हूं। अब इसके अनुसार कट ऑफ क्या रहेगी? जो कट ऑफ यहां पर मैं बताऊंगा वो एक रो मार्क्स है। आपको नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था उन सभी कैंडिडेट्स के एक दो नंबर तो बढ़ना तय है। जिनका एग्ज़ाम, यानी कि आपको पता है कि एग्ज़ाम इस बार पांच शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। आपको भी पता होगा कि 15 मई से पेपर स्टार्ट हुए थे, 18 मई तक चले थे, जिसमें आपका नर्सिंग का 15, 16, 17 तीन दिन चले थे। 5 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट ने। और इस जो 5 शिफ्ट हुए, तो 5 शिफ्ट होने का मतलब आप भी समझते हो कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ में मैं रो मार्क्स बताऊँगा वो मैं बताने जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज रो मार्क्स रहेंगे ये। और अगर आप इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अपने आप को सिक्योर मानिएगा। अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके रो मार्क्स कितने आ रहे हैं? 70 आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है मैंने पहले सर्वे भी करा था, जिस दिन कट ऑफ आंसर की आई थी उसके बाद सर्वे भी करा था, इसके फाइनल आंसर की या रिवाइज आंसर की जिसे बोलते हैं वो भी आ चुकी है। तो उसके आने के बाद भी आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, यूआर कैटेगरी में टोटल 106 सीट है। और यहाँ पर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो रहेगी यूआर कैटेगरी के लिए 70। अगर आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, देखो मैं मेल या फीमेल के अलग अलग नहीं बता रहा, जो भी कट ऑफ है लगभग सभी के अनुसार नॉर्मल जनरल मेल कैंडिडेट के अनुसार बता रहा हूं। ओबीसी में जो कट ऑफ रहेगी वो 62। बात करूंगा ओबीसी कितनी कम कैसे जाएगी। और SC ST की अगर मैं बात करूँ, SC की बात करूँ तो यहाँ पर 61। अगर मैं बात करूँ किसकी, ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी लगभग 59 के अराउंड रहेगी। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 61 के अराउंड कट ऑफ रहने वाली है। अगर यहाँ पर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस ST, तो यहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा जो जाने वाली है जनरल की जाने वाली है, यूआर कैटेगरी की जाने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट का कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है, किसका अदर स्टेट का कैंडिडेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा फोरम लगाए हैं, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ हो सकता है उछाल मारकर 72-73 भी पहुँच जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जिसके 70 हैं उसके लगभग 75 तक पहुँच जाएंगे, इस बात का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, कोई एक शिफ्ट ऐसी भी, एक दो शिफ्ट ऐसी भी होती हैं हर एग्ज़ाम में जो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, तो जो नॉर्मल शिफ्ट होगी माइनस बहुत कम नंबर होते हैं, अधिकतर के नंबर बढ़ते ही हैं, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। OBC कैटेगरी, SC और ST इन चारों कैटेगरी वाले के कैंडिडेट्स सिर्फ UP के होंगे, कहाँ के होंगे, सिर्फ UP के होंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन SC ST OBC EWS में मौका नहीं दिया जाता, इसलिए उनको क्या करा जाता है, इसलिए उनकी कट ऑफ कम जाती है। आपने देखा होगा जो KGMU का एग्ज़ाम हुआ था, KGMU के एग्ज़ाम में SC ST के कैंडिडेट्स प्रॉपर तरीके से KGMU में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, इसलिए कुछ सीटें शायद देखा सीटें बैकलॉग में भी चली गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो आप तो OBC के लिए टोटल जो सीटों की संख्या थी वो 71 है, 71 पे लगभग कट ऑफ जाएगी 62 के अराउंड। SC में टोटल जो सीटों की संख्या है लगभग 56 है, 56 सीटें यहाँ पर रखी गई है। ST में सबसे कम सीट है 5 सीट है और EWS में 26 सीट रखी गई है, तो टोटल सीटें 264 थी और 264 में रो मार्क्स अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। जो भी रिजल्ट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है, आपको सबसे पहले हम टेलीग्राम पर देते हैं, उसके बाद वीडियो का जब टाइम मिलता है तब वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते हैं। तो आपसे मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो मैंने बेस्ट बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, जैसे PR यादव बुक्स हो गई, इसके अलावा जो भी ESI नर्सिंग ऑफिसर के लिए बेस्ट बुक, DSSB के लिए बेस्ट बुक, और इसके अलावा सबसे अच्छी बात कि DSSB की अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं, DSSB नर्सिंग ऑफिसर जो 1507 पदों वाली वैकेंसी थी, 1507 पदों वाली वैकेंसी थी, अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए नॉन नर्सिंग पार्ट की जो बेस्ट बुक है उसकी लिंक मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आज ही परचेज कर लेना, क्योंकि बाद में उस पर आपको ऑफर नहीं मिलेगा, अभी आई थिंक कुछ ऑफर भी चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने जानकारी आपको कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट के बारे में दी, रिजल्ट के बारे में एक बार देख लो, रिजल्ट आपका 2nd week of June में यानी कि आने वाला ही है लगभग रिजल्ट, आज आप जब वीडियो देख रहे हैं तब इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि 4 जून हो चुकी है, और 4 जून को आपको भी पता है शाम के टाइम, आप सुबह वीडियो देख रहे हैं, शाम के टाइम तक आचार संहिता भी ख़त्म हो जाएगी, क्यों, 5 बजे इलेक्शन का जो रिजल्ट काउंटिंग कम्प्लीट होने के बाद आचार संहिता इलेक्शन कमीशन जो ECI है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आचार संहिता को यानी कि आदर्श आचार संहिता जो थी उसको ख़त्म कर देगा, तो इसके बाद अब रिजल्ट आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। UPMS रिजल्ट के बारे में भी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। UPMS जो नर्सिंग ऑफिसर की 535 पदों पर वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।